अलीगढ़ की रियासत के दीवान सरदार सुजान सिंह काफी बूढ़े हो गए थे। उन्होंने महाराज से विनती की कि अब वह कुछ समय परमात्मा का ध्यान करना चाहते हैं, इस कारण रियासत के लिए कोई नया दीवान चुन लिया जाए। राजा साहब अपने नीति कुशल अनुभवी दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने नया दीवान चुनने की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर डाल दी। अगले दिन प्रसिद्ध समाचार पत्रों में देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान के लिए विज्ञापन निकला। जो सज्जन अपने आप को देवगढ़ रियासत के दीवान के पद के योग्य समझते हों, वे वर्तमान दीवान सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हों। यह जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हों, मगर हष्टपुष्ट होना आवश्यक है। मंदाग्नि के मरीज को यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। एक महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन आचार विचार को परखा जाएगा। जो उम्मीदवार इस परीक्षा में खरा उतरेगा वही इस पद के योग्य होगा। इस विज्ञापन ने सभी जगह तहलका मचा दिया। ऐसा ऊंचा पद और इतनी आसानी से मिल जाए, सैकड़ों व्यक्ति अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए चल दिए। देवगढ़ में विभिन्न राज्यों से नए नए लोग आने लगे। सरदार सुजान सिंह ने इन सभी आगंतुकों के आदर सत्कार का बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ था। हर व्यक्ति अपने आप को सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश में था। सब उषा के समय टहलते और अपनी हुक्का शराब की लत को छिपाते, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि हॉकी का खेल हो जाए, शायद यह हुनर ही कुछ काम आ जाए। फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। गेंद इधर से उधर ठोकरे खाने लगी। देवगढ़ वालों के लिए यह खेल बिल्कुल निराला था। पढ़े लिखे लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। भाग दौड़ के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। संध्या तक खेल चलता रहा, पर हार जीत का फैसला ना हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से कुछ दूरी पर एक नाला था, उस पर कोई पुल ना था। पथिकों को नाले में से चलकर आना जाना पड़ता था। एक किसान अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से आया। नाले में कीचड़ था और नाले की चढ़ाई भी अधिक थी, इसलिए गाड़ी ऊपर न चढ़ पाती थी। थोड़ी सी ऊपर चढ़कर वापस नीचे आ जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम ही ना लेती। वह चारों ओर देखता पर कोई सहायक नजर नहीं आता। कुछ खिलाड़ी उधर से गुजरे पर किसी ने भी उसकी सहायता ना की। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया। उन आंखों में स्वार्थ और मद था, सहानुभूति का नाम भी ना था। उसी झुंड में एक उदार दयालु मनुष्य भी था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैर में चोट लग गई थी। वह लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चल रहा था। अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वह समस्या को समझ गया। उसने हॉकी एक किनारे रखकर कोट उतारा और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? वह गठे बदन का एक सुदृढ़ व्यक्ति था। किसान झुककर बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूं, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। कीचड़ बहुत ज्यादा था। युवक घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी। उसने फिर जोर लगाया। किसान ने बैलों को ललकारा, उनकी हिम्मत बंद गई। उन्होंने कंधे झुकाकर जोर लगाया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, आज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देना चाहते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। यह सुनते ही युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। कहीं ये किसान सरदार सुजान सिंह ही तो नहीं है? किसान उसके मन की बात भांप गया। महीना पूरा होने पर चुनाव का दिन आ गया। संध्या के समय राजा का दरबार सजाया गया। सभी उम्मीदवार दिल थाम कर बैठे थे। सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मैं आप सबसे कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ। इस पद के लिए दयावान, उदार, नेक दिल व आत्मबल से भरपूर एवं वीर महापुरुष की आवश्यकता थी। ऐसे गुण वाले व्यक्ति संसार में विरले ही होते हैं।
किंतु सौभाग्य से हमें ऐसा व्यक्ति मिल गया है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ को दीवान का पद पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के लोगों ने जानकी नाथ को सम्मान की दृष्टि से देखा। सरदार सुजान सिंह ने आगे कहा, जो व्यक्ति स्वयं जख्मी होकर एक गरीब किसान की गाड़ी नाले से निकालकर ऊपर चढ़ा दे, ऐसे व्यक्ति में सभी गुण होंगे और वह सभी का भला चाहेगा। उम्मीद है आप सब भी इस फैसले से सहमत होंगे।